So hey guys, welcome once again and today we're gonna explain the movie called the Kashmiri Files. हाल ही में रिलीज हुई इस मूवी को IMDb ने 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे दी है, जिसने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। और मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं नहीं जानता ये स्टोरी कितनी सच्ची और कितनी झूठी, मैंने तो बस इसे एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें 19 जनवरी 1990 में कश्मीर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम शिव और अब्दुल नाम के बच्चों को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। शिव अपने मैच में अच्छा परफॉर्म करने के बाद सचिन का नाम लेने लगता है और वहां मौजूद कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती और वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, इंडिया नहीं, यहाँ सचिन की नहीं चलती। और वो लोग ये बोलकर शिव को मारने लगते हैं, जिसके बाद उसका लंगोटिया यार अब्दुल उसे बचाकर वहाँ से लेकर किसी तरह से भाग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती में कोई मजहब नहीं होती। गाइस कहते हैं कि 1990 कश्मीर का वो वक्त था जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से रहने का हक छीना जा रहा था और इस पूरे आतंक को लीड करता था फारूक अहमद दर, जिसे लोग बीटा कराटे के नाम से भी जानते थे। और वो सभी को इकट्ठा करके अपना बोल वचन दे रहा था कि अगर ये वतन हमारा है तो इस पर हुकूमत भी हमारी होगी। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपनी बीमार बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। तभी वहाँ मौजूद पुलिस उससे कहते हैं कि आगे मत बढ़ो, वहाँ खतरा है कि तभी सामने से एक टेररिस्ट उस पुलिस वाले को शूट करके मार देता है और उस लेडी से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से कराऊंगी, जिस वजह से वो लेडी उसके मुंह के ऊपर थूक देती है और वो आदमी गुस्से में आकर उसे शूट कर देता है, जिस वजह से उसकी बेटी काफी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम एक पंडित को देखते हैं जिसका नाम पुष्कर था और वो अपने पोते शिव को ढूंढ रहा था क्योंकि वो अब तक घर नहीं लौटा था। फिर शिव उसे मिल जाता है और वो पंडित यानी कि पुष्कर शिव और अब्दुल को साथ लेकर जा रहे थे। तभी पीछे से एक आर्मी की जीप आती है और कहते हैं कि मेरे साथ चलो क्योंकि माहौल गर्म है, तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा दे। बट अफसोस वो आर्मी की जीप आधे रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम पुष्कर के घर को देखते हैं जहां बेटा कराटे अपने आतंकवादी दोस्तों के साथ पुष्कर के घर में घुस आए थे और वो शिव के फादर को ढूंढ रहे थे, जिस वजह से शिव के फादर एक ड्रम में छिप जाते हैं। लेकिन तभी बेटा कराटे को उसके वहां छुपे होने की खबर मिल जाती है और वो उसे उसके ड्रम में गोलियों से ढूंढ देते हैं। वहाँ बैठी शिव की माँ जिनका नाम श्रद्धा था, वो ये सब अपनी आंखों से देखकर काफी डर जाती है और तभी वहाँ पर पुष्कर भी आ जाता है, जिस पर बेटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से रंगे चावल को खाने के लिए फोर्स करता है और कहता है अगर तुमने इसे खा लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जिंदा छोड़ दूंगा। और फिर इसी के साथ कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट के डे में, जहां हम ब्रह्मा दत्ता नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहा था और यहां पर उसे मिलने पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित वहां आता है जो कि अब दिल्ली में रह रहा था, लेकिन वो अपने साथ अपने दादाजी यानी कि पुष्कर की अस्थियों को लेकर आया था क्योंकि अब उनकी डेथ हो चुकी थी। कृष्णा के वहां आने पर कुछ और लोग भी वहां आ जाते हैं जो कि पुष्कर के भी कभी दोस्त हुआ करते थे और उनके दोस्तों में थे महेश जो कि एक डॉक्टर, हरी जो अपने वक्त में डीजीपी थे और एक दोस्त जो कि एक जर्नलिस्ट था। लेकिन कृष्णा को अपने मॉम डैड की डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर उनकी डेथ कैसे हुई थी और कब हुई। उस बेचारे को ऐसा लगता था कि उसके मॉम डैड की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है दिल्ली के JNU यूनिवर्सिटी में, जहाँ कृष्णा ऑडिटोरियम में बैठा प्रोफेसर राधिका के लेक्चर सुन रहा होता है। राधिका यहाँ पर बैठी बहुत सारे स्टूडेंट को भड़का रही थी कि उन्हें कश्मीर को आजादी दिलानी है और कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। और ये उसी टाइम की बात है जब आर्टिकल 317 को कश्मीर से हटाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे इंक्लूडिंग प्रोफेसर राधिका। प्रोफेसर राधिका को भी ऐसा लगता है कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए था और वो ये भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और ना ही किसी पंडित को मारा गया था। और उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी ये सब सच लगने लगता है, जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट करके अपने साइड करते जा रही थी। और फिर सीन एक बार फिर से पास्ट की तरफ चेंज होती है और हमें 1918 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पुष्कर ब्रह्मा दत्ता से मिलने जाता है क्योंकि वो एक IAS ऑफिसर था। वो उससे बोलता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की काफी जरूरत है और खास करके मेरे बेटे को, क्योंकि उसके बेटे को बेटा कराटे ने इंडियन पुलिस के मुखबिर करार दिया है यानी कि हिंदुस्तानी जासूस। ये सब
सुनने के बाद ब्रह्मा दत्ता कहता है कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। फिर ब्रह्मा दत्ता और पुष्कर रस्ते में जा रहे थे तो पुष्कर उतर कर सब्जी लेने लग जाता है तो वो सब्जी वाला पुष्कर को पैसे रिटर्न करते वक्त उसे पाकिस्तानी करेंसी दे देता है जिस पर पुष्कर को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो सब्जी वाला कहता है कि जिस कंट्री में रहोगे उसी की करेंसी मिलेगी ना। ये सब देखकर ब्रह्मा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे जेल में बंद करवा देता है जिसके बाद ब्रह्मा वहाँ के सीएम से पंडितों की सेफ्टी के बारे में बात करने जाता है जिस पर सीएम उसे ही दोषी करार देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ के आईएस हो और शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। सीएम उसके बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि सीएम बेटा कराटे से कुछ बात कर रहा था। इसका मतलब आप ये समझ लें कि सीएम खुद बेटा कराटे से मिला हुआ है और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट के डे में जहाँ पर ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा को उसके मॉम डैड की तस्वीर दिखा रही थी क्योंकि कृष्णा ने आज तक उन्हें नहीं देखा था बिकॉज जब वो लोग कश्मीर से भागे थे तो उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो लोग अपने साथ कुछ सामान ले जा पाते। अब यहाँ पर ब्रह्मा जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है तो कृष्णा उसे बोलता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था ये सब बस एक र्यूमर है और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर निकले थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग ही थे और वो कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट बन रहे हैं उनका जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। अगर आप उनके बच्चों को जीप से बांध कर घसीटोगे और एक की वजह से सभी को टेररिस्ट बुलाओगे तो जाहिर सी बात है कि वो लोग टेररिस्ट ही बन जाएंगे। ब्रह्मा को कृष्णा की ये सब बात सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो कृष्णा को फ्लैशबैक में ले जाता है और स्टोरी एक बार फिर पहुंच जाती है उसी रात में जब बीटा कराटे श्रद्धा को उसके पति के खून से लिपटे चावल खाने को बोल रही थी। श्रद्धा अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी इसीलिए वो उस चावल को खा लेती है जिसके बाद वो टेररिस्ट अपने वादे को पूरा करते हुए उन लोगों को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला जाता है जिसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करके बताता है कि उन जालिमों ने मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है और वो ये भी कहता है कि जब पूरे इंडिया के साथ भी ऐसा ही होगा तब याद रखना कि तुम भी उन्हीं लोगों में एक होगे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। फिर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर वहाँ से दूर जगह चला जाता है और फिर वो लोग कश्मीर से थोड़ा दूर टेंट में रह रहे होते हैं। वहाँ पर उनके जैसे हजारों लोग थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने उन टेररिस्ट से बचाकर लाया था। अब जब वो लोग अपने शहर अपने घर पैसा सब कुछ छोड़कर भागे थे तो उन लोगों के पास ना ही खाने को खाना था और ना ही पीने को पानी। थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग अरेंज कर देते थे। वो लोग एक वक्त में आधा पेट खाना खाया करते थे। अब वो लोग बस इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन हम लोग वापस अपने घर जरूर जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट में बिताने के बाद पुष्कर की आईसाइट धीरे धीरे कम होने लगी थी और फिर एक दिन उन सभी से मिलने आईएएस ब्रह्मा वहाँ आता है जो कि अब आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुका था और यहाँ पर उसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं जिसके बाद वहाँ मौजूद जो सारे लोग कश्मीर से भागकर आए थे वो लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। तभी पीछे से पुष्कर एक पोस्टर लेकर सामने आता है और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। यहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को देखकर काफी बुरा फील करता है क्योंकि उसकी आंखें काफी हद तक खराब हो चुकी थी और वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुका था जिस वजह से वो ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पाता। जिसके बाद ब्रह्मा पुष्कर के फैमिली से मिलता है और वो कहता है कि वो उन्हें पास में एक घर दिला सकता है और एक जॉब भी दिला सकता है जिसके बाद श्रद्धा ब्रह्मा की बात पर एग्री हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं पर यहाँ पर हालात भी कुछ ठीक नहीं था। दूसरी तरफ हम बीटा कराटे को देखते हैं जो खुद एक टेररिस्ट था और फिर भी वो मीडिया तक पहुंच जाता है और वहाँ पर उसका एक इंटरव्यू भी होता है जिसमें बीटा कराटे कहता है कि मैंने सिर्फ 20-25 लोगों को ही मारा है क्योंकि वो लोग आरएसएस के थे और वो खुद को एक फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। और इन सब चीजों को टीवी पर देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि ये मीडिया तक पहुंच गया कुछ दिनों बाद पीएम तक पहुंच जाएगा। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ पीएम तक पहुंचने की। फिर धीरे धीरे करके पुष्कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। मरने से पहले वो कृष्णा से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसकी अस्थियों को उसके कश्मीर वाले घर में ही फैलाया जाए और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। अब इसी के साथ स्टोरी फिर से पहुंच जाती है प्रेजेंट के डे में जहाँ ब्रह्मा कृष्णा को ये सब बातें बता रहा था। कृष्णा ये सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीज बता रही थी और तो और उसने कृष्णा को ये भी बोला था कि तुम कश्मीर जाने के बाद बीटा कराटे से जरूर मिलना। फिर नेक्स्ट सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के घर में ले जाते हैं जहाँ पर उनके शिव जी के मंदिर से शिव जी को हटा दिया गया था और वहाँ पर वही झंडा लगा दिया था जो कि 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा हुआ करता था। फिर वो लोग उस झंडे को वहाँ से हटा देते हैं और फिर कृष्णा अपने
अपने दादाजी यानी के पुष्कर की अस्थियों को उसी घर में बिखेर देता है और अब फाइनली इसी तरह पुष्कर की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है और उसके सोल को शांति मिल जाती है कि वो अपने घर कश्मीर वापस आ चुका है। वहाँ के सारे काम को निपटा कर कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके भाई शिव का बचपन का दोस्त अब्दुल था। फिर रस्ते में कृष्णा अब्दुल से सारी बात पूछता है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। अब्दुल अपने जुबानी सारी बात उसे बताने लगता है और कृष्णा उसकी सारी बात अपने फोन में रिकॉर्ड करता है। अब्दुल उसे बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के एजेंट्स में नहीं थे बल्कि सिर्फ तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और जब तुम्हारा परिवार उस घर को छोड़कर भाग रहा था तो मेरे अब्बू ने उन लोगों की काफी ज्यादा मदद की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुँच चुका है और बीटा कराटे भी कृष्णा को यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुद ही ये जगह छोड़कर जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के लोग थे। और बीटा यहाँ पर अपना कंपैरिजन भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे फ्रीडम फाइटर से करता है। ये सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बीटा बिल्कुल सही कह रहा है और इसी बात पर वो जाके ब्रह्मा से झगड़ा भी कर लेता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। अब जब पानी सर से ऊपर चली जाती है तो ब्रह्मा गुस्से में आकर कृष्णा के सामने 3 फाइल रख देता है। जब कृष्णा उस फाइल को पढ़ता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और उसकी माँ का भी फोटो था और उसे बीटा कराटे ने ही मार दिया था। ये सब जानने के बाद कृष्णा वापस से अपने कॉलेज में जाता है जहाँ वो प्रोफेसर यानी की राधिका एक सॉन्ग गा रही थी जो सभी स्टूडेंट को कश्मीर को लेकर मिस गाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को स्पीच देने को बोलती है क्योंकि वो उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था और अब वो वक्त आ जाता है जब कॉलेज के सारे लोगों को सच मालूम चलने वाला था। कृष्णा मैक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप और उन्होंने वहाँ पर काफी वक्त तक श्रद्धा की और ज्ञान हासिल किया और उन्हीं के नाम पर इस स्टेट का नाम कश्मीर पड़ा। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग कश्मीर गए और वहाँ पर बहुत सारे रिसर्च की और इसी तरह बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। पर एक दिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आए जो कि शुरू में तो वहाँ पर पनाह लेने के लिए आए थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने दे दिया और धीरे धीरे करके उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना ज्यादा खास है और फिर उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी पंडितों पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया, जबकि इस्लामिक बुक में ये लिखा है कि किसी को भी जबरदस्ती कलमा पढ़वाना या मुसलमान बनाना सख्त मना है। लेकिन उन जालिमों ने सिर्फ पंडितों को ही नहीं मारा, इवन जो मुस्लिम भी उनके खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें भी मार दिया जाता था और उसे इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता था। और इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे मेजोरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर माइनॉरिटी में बदल दिया और बाकी के 500,000 पंडित वहाँ से भाग गए, जिस वजह से बहुत सारे हिंदू मुसलमानों के बीच की दोस्ती टूट गई। आज तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम लोग वहाँ वापस से जाकर रह सकते हैं और कोई हमें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता, बट कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से निकाल कर भगा दिया गया और वो लोग अपने घर जा भी नहीं सकते थे। उसकी पूरी स्पीच में लोगों ने उसे कई बार रोकने की कोशिश भी की, पर अब कृष्णा का सच समझ में आ गया था और वो इसीलिए बिना रुके बोलता गया। कृष्णा ये भी कहता है कि हमारे नेता लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, उन्हें बस इंडिया पाकिस्तान करने वाला चाहिए, लेकिन कोई भी भुखमरी की बात नहीं करता, कोई किसी कमजोर पे हो रहे जुल्म की बात नहीं करता और हमारे भोले भाले हिंदू मुसलमान भाई उनके बातों में आकर आपस में लड़ मर जाते हैं। जिसके बाद कृष्णा रोते हुए अपनी माँ यानी की श्रद्धा और अपने भाई शिव की स्टोरी बताता है और फिर इसी के साथ कृष्णा की स्पीच प्लस बैक में पहुँच जाती है जिस दिन उसकी माँ और भाई को मारा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर अपने फैमिली के साथ घर में रह रहा होता है और फिर एक दिन बीटा कराटे और उसके लोग यहाँ पर आर्मी के ड्रेस में आ जाते हैं और उस पूरे एरिया पर भी कब्जा कर लेते हैं जिसे IS ब्रह्मा ने उन लोगों को रहने के लिए दिया था। बीटा वहाँ पर कब्जा करते ही श्रद्धा को मोलेस्ट करना शुरू कर देता है और फिर एक के बाद एक सभी को मौत के घाट उतार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूँगा कि मैं नहीं जानता कि इस मूवी की स्टोरी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। मैंने तो बस इस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, बाकी आप खुद समझदार हो। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हो। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।